हाँ दोस्तों, मेरे धर्म पत्नी जी अभी बनाने के लिए चली। देखिए इसका पानी किस तरह निकल रहा है। दूध जैसा, कितना वाह फ्रेश लग रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए वाह, अब इसको थोड़ा देर तक भूनेंगे, उसके बाद इसमें पानी डाल के ढक देंगे सीधने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है नितेश प्रीति ब्लॉग्स में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में सब खुश खुश होंगे। होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। दोस्तों हमारी ओर से आप सबको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है सुबह से, और पसीना पसीना हो गए। हम गए थे अभी तोड़ने के लिए कटहल, और पका हुआ कटहल तोड़ के लिए कहा है दोस्तों, और किस किस को पका हुआ कटहल पसंद है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हम लोग स्पेशल बनाएंगे कटहल का एठी का सब्जी, क्या जी? हाँ। और ए रहा दोस्तों पका हुआ कटहल। और इधर देखिए प्रीति जी देख रही है इसको कैसे कैसे बनाएगी जी। इसको पहले अभी तो पका हुआ देखिए कैसे फट गया ये पक के। वाह लाजवाब लग रहा है बहुत है जी। इसको ऊपर वाला खाएंगे और अंदर वाला जो ये गुठली है दिखाते हैं आप लोग को निकाल के। अभी निकल ये नहीं रहा है, हाँ पका हुआ है ना। देखिए इसको धो के पहले सूखने देंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसको बीच बीच में काट के बनाएंगे और इसकी कैसे सब्जी। कैसे बनाएंगे दोस्तों आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले देखिए तीनों कटहल का निकालेंगे इसी तरह से, इसको पका हुआ हम खाएंगे ये वाला इसको बहुत था। तो सब इसको एक बर्तन में निकालेंगे पहले। अभी पूरा वाह पका हुआ है, बहुत ज्यादा पका हुआ है जी। और ये वाला भी देखे दोस्तों, ये तो और भी पका हुआ एकदम गिल्ला है, कैसे दब रहा है, पट्टे के फट जाएगा। ये भी पका हुआ है और इसका सब्जी बनाएंगे। तो पहले थोड़ा सा खाते हैं, हम खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। बोथा निकाल के इधर रख रहे हैं और एठी देखिए कैसे निकाल रहे हैं, और इसी एठी का बनेगा सब्जी। हम लोग एठी बोलते हैं। अभी इसमें बहुत सारा है, इधर है, इधर है, तीन तीन कटहर है जी, क्या जी? बहुत सारा एठी हो जाएगा ना, हाँ 2 दिन का सब्जी हो जाए। 2 दिन का हो जाएगा। इसी तरह से सारा निकालेंगे दोस्तों। तो फटाफट से पहले निकाल लेते हैं, इसके बाद धो के इसको थोड़ा सा सूखने के लिए देंगे जी। हाँ दोस्तों, मेरे धर्म पत्नी जी अभी बनाने के लिए चली कटहल का एठी, उसका जो गुठली होता है तो उसी का सब्जी। दोस्तों का सब्जी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और कैसे कैसे बनाएगी आप लोगों को दिखाएंगे। अपने जो भी कटहल का एठी का जो फोकली होता है उसको छुड़ा रही है देखिए, और इतना सारा छुड़ा लिए और थोड़ा सा बचा है छुड़ाने के लिए। और इधर देखिए दोस्तों ये रहा, कितना सुंदर लग रहा देखने में गुठली। और इसका सब्जी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, और कौन कौन खाए हैं आप लोग कमेंट में बताइए। और आज मेरी धर्म पत्नी जी बना रही है, हो गया काटना जी, थोड़ा सा बचा है ना। दोस्तों प्याज काट रही है, इधर देखिए इस बर्तन काट काट के रख रही है, और कितना देखिए अच्छा प्याज काट रही है। एक ही प्याज डालेगी जी? नहीं, दो प्याज डालेंगे। दो प्याज, इसमें आलू मिक्स नहीं कर रहे तो प्याज का मात्रा थोड़ा ज्यादा रहेगा, और इसमें मसाला भी मिक्स करेंगे तो मसाला भी पीसेंगे, और आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या मसाला डालेंगे। सो अब प्याज काट रहे हैं, प्याज काटने के बाद अभी मसाला पीसेंगे। आलू नहीं डालेगी इसमें? नहीं, आलू नहीं डालेंगे, बिना आलू का बनेगा दोस्तों, इसीलिए प्याज दो डाल दे रही है। नहीं तो अगर आलू डालते तो प्याज एक ही डालते हैं, कम प्याज डालते हैं। मस्त एकदम इसका भाजी बनाएगी क्या? हाँ, और दाल और चावल बन गया है, बस इसका भाजी बनाना बाकी है, वो बना रहे हैं अभी। और कौन कौन खाए हैं अभी कमेंट करके बताइए, और जो खाए हैं उसको पता होगा कि कितना अच्छा लगता है खाने में। एकदम सिंपल तरीका है दोस्तों बनाने के लिए, ज्यादा समय भी नहीं लगता है बनाने में। और थोड़ा लकड़ी आज सुबह सुबह फाड़ दिए हैं जोड़ने के लिए, इधर रहा टंगा देखिए, इसी से भी फाड़े हुए हैं दोस्तों। प्याज काट लिए हैं, और ये रहा मसाला जो कि अभी मिक्स करेंगे। हरा मिर्च लिए हैं, लहसुन और गोलकी, जीरा, थोड़ा सा धनिया, और अब जा रहे इसको सिलवट्टा पे पीसेंगे। मसाला पीस लिया,
जो मसाला दिखाई मेरे धर्मपत्नी जी, सारा मिक्स करके एक साथ सब पीस लिए देखिए सिलबट्टा पे, और पीसना हो भी हो चुका है। रब रख रही है डूबी में, कटोरी में, हम लोग डूबी वो बोलते हैं भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा देखा वो पीसना हो गया। अब इसको थोड़ा सा पानी दे देगी, धो देगी ताकि ये मसाला सूखे ना, और फिर पीसेगी दोबारा, तब धोने में थोड़ा आसानी पड़े। चलो हो गया, साफ हो गया एकदम बढ़िया। ये सिलवट्टा ना थोड़ा टूट चुका है जी बीच में ना, अब इसको इसको ऐसे लाइन लाइन दे के खत करना पड़ेगा, तब मसाला बढ़िया पिसेगा। इस तरह जैसे है देखिए उस तरह। चलो एक दिन इसको खत करेंगे, चिकना हो गया, एक दिन खत कर देंगे। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई भी गर्म हो गया, उसमें डालेंगे तेल, सरसों तेल। ज्यादा सरसों का तेल नहीं हम लोग खाते हैं, थोड़ा कम ही खाते हैं, लेकिन उतना ही तेल में बहुत ही स्वाद, और चूल्हा में बना हुआ खाना बहुत ही स्वाद रहता है। चूल्हा का बना हुआ खाना स्वाद ही लगता है। जीरा डाले, थोड़ा सा जीरा डाल, चलो पड़पड़ाने लगा जीरा जी। डालते हैं, थोड़ा सा फूलेगा तब तक तेल भी गर्म हो गया, जीरा भी पूरा चटक डालेंगे। प्याज चटक गया है ना जी, प्याज भून लेगी। वाह, जीरा डालने के बाद खुशबू एकदम बहुत ही अच्छा आता है। कुछ भी सब्जी बनाते हैं और जीरा का फोरन हमेशा डालते हैं, क्योंकि जीरा का फोरन डालने के बाद स्वाद कुछ और ही रहता है और खाने में भी अच्छा लगता है, अलग अलग मजा आता है। और ज्यादा मसाला देके भी सब्जी नहीं बनाती है मेरी धर्मपत्नी जी, यही तो खास बात है। तीखा हम लोग नहीं खाते हैं, बहुत तीखा खाते हैं, और सिंपल वैसे बनाती है। इधर पीस के रखी हुई मसाला, आग बुझ गया क्या, जल रहा था तो इसको धोते हैं रगड़ के, इसको अच्छे से रगड़ के धो लो तो एक बार पानी से, देखिए इसका पानी किस तरह निकल रहा है, दूध जैसा। कितना फ्रेश लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे फुटका को खोपड़ी है। हाँ, खोपड़ी उठ गया ना, खोपड़ी उठ चुका है, उतना नहीं उठा हुआ है, लेकिन जाएंगे उठाने के लिए। अच्छा लग रहा, इतना सुंदर लग रहा, एक बार और धो लेते हैं। एक पानी से और धो रही है, दोस्तों देखिए प्याज भूंज लिए हैं और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया, और अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा भूंजते हैं, और डालेंगे मसाला जो कि पीस के रखे हुए हैं, और क्या क्या मसाला वो भी बताए हैं। मसाला डालने के बाद कैसे है, खुशबू आता है, सिलवट्टा पे पिसा हुआ मसाला है ना। और अब इसमें हल्दी डालेंगे छोटा सा चम्मच से, एक चम्मच दो चम्मच। ये चम्मच कहाँ मिला जी, अबरी घर में था, घर में था, हाँ तो चम्मच नहीं था इसमें तो डाल दिया है चम्मच। हल्का सा पानी डालेंगे, अभी अच्छा से बनाएगा, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पहले आप भून लेगी। मसाला अच्छे से तैयार कर लिया और अब डालने के लिए जा रही है एठी। देखिए वाह, अब इसको थोड़ा देर तक भूनेंगे, उसके बाद इसमें पानी डाल के ढक देंगे सीधने के लिए। थोड़ा सा भूनने के बाद अब ये लग रहा है कि खाने का मन कर रहा है जी, लेकिन अभी सीझा हुआ नहीं है ना। वाह, तो बहुत जल्दी एकदम बन जाएगा। अब भूनने के बाद अब पानी डाल रही है, और पानी डाल के इसको ढक के रख देगी ताकि ये सीझ जाए। पानी डाल दिया
और अब ढक के रख रही है क्योंकि अठी को थोड़ा सीजने में थोड़ा समय लगता है। और ये अब सीजेगा, उसके बाद थोड़ा सा भूनेंगे फिर बन जाएगा। बस सीज जाएगा, थोड़ा सा भूनना है, रेडी हो जाएगा। सूखने के बाद सब्जी को अच्छा से भून लिए हैं और फाइनली बन के तैयार हो गया। और अब इसको उतारेंगे और आप लोग को दिखाते हैं कैसा बना है। सो देखिए, बहुत ही अच्छा बना है और खाने में भी अच्छा लगता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा सब्जी कैसा बना है। सो देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है सब्जी। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय जोहार।